नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़, मैं हूं आपके साथ जैसी राज। पता ये शुरुआत करते हैं खबरों की। भोपाल गृह मंत्री उत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। महाकाल कॉरिडोर को कमलनाथ सरकार के समय प्रस्तावित किए जाने पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी को झूठ बोलने का शगल है, जिसे किसानों को बोला 2 लाख कर्ज देंगे पर एक को भी नहीं दिया। 4,000 का बेरोजगारी भत्ता घर बैठे देंगे। कमलनाथ जी से प्रार्थना है कि कम से कम महाकाल को तो बख्श दें। इनके समय में महाकाल कॉरिडोर का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया था। फिर जब 2020 में शिवराज जी फिर से आए तब फिर इसको विस्तारित किया। साथ ही उन्होंने महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण को लेकर कहा कि दिव्यता, भव्यता और आध्यात्मिकता का समीक्षण आज प्रणाली का शहर उज्जैन में हो रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करके जनता को समर्पित करने आ रहे हैं। केकेआर न्यूज़ के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। घंटे में कोरोना के 14 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए। 14 लोग ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। 89 नवासी केस वर्तमान में एक्टिव हैं। 2684 लोगों का सैंपल संपूर्ण प्रदेश में कल लिया गया है। संक्रमण दर हमारी 0.52 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 14,861 है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,32,08,709 है। बनी बैठक हुई बड़ी बैठक, कमलनाथ जी को झूठ बोलने का शगल है, जैसे किसानों को बोला 2 लाख का 10 दिन में, एक को भी नहीं दिया। 4,000 का हर महीने बेरोजगारी भत्ता घर बैठे 15 महीने में 60,000, एक नहीं दिया। कम से कम कमलनाथ जी से प्रार्थना है, भगवान भोलेनाथ को महाकाल को तो बख्श देते। अरे 2017 में इसको प्रस्ताव बनाया था, एक साल में इसकी DPR बन के आई थी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 2018 में इसका टेंडर लगा था, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। ये कहां से आ गए? इनके समय में तो ठंडे बस्ते में चला गया। जब 2020 में माननीय शिवराज सिंह जी पुणे आए तब फिर इसको विस्तारित किया और 856 करोड़ रुपए का इसका प्रस्ताव बना। 351 करोड़ रुपए का ये प्रस्ताव फर्स्ट फेज का है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पित करने आ रहे हैं, और सेकंड फेज का 310 करोड़ का दूसरा चरण इसका बनेगा। अब महाकाल को भी नहीं बख्शा कमलनाथ जी, गजब। अरे अच्छा काम हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इस पर जाने की जगह बाबा महाकाल को नमन करते कभी तो तारीफ करना सीखे। महाकाल लोक मतलब भव्य लोक, महाकाल लोक मतलब दिव्य लोक। दिव्यता, भव्यता और आध्यात्मिकता का समिश्रण आज पौराणिक शहर उज्जैन के अंदर बाबा महाकाल का। स्वयं प्रधानमंत्री जी इसका आज लोकार्पण, जनता को समर्पण करने के लिए आ रहे हैं। आजादी के बाद दो महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, भारत को एक करने का क्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और सोमनाथ बाबा का जीर्णोद्धार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम मंदिर, बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर और महाकाल लोक जिसमें शिव परिवार विराजमान है, उसका आज लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। इस लोक का निर्माण भविष्य के 50 साल को ध्यान में रखकर बनाया गया है और विहंगमता दी गई है। यह संस्कृति और विकास का अद्भुत संगम है। यहां पर शंभु शिखर अलग ही दिव्यता देता है। महाकाल पथ है 900 मीटर का डायमीटर, कमल कुंड 50 मीटर का, सप्तऋषि 20 फीट ऊंचा, ऐसी अनेक दिव्यताएं और भव्यताएं लिए हुई हैं।
नंदी द्वार है, त्रिवेणी मंडपम है, पंचमुखी स्तंभ है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।